नमस्कार दोस्तों, मेरे देसी आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा भारत जो है अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों पेड़ पौधे का देश है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम सरपुंखा के कुछ ही फायदे के बारे में आपको बताया हूँ। वैसे तो सरपुंखा समस्त भारत के हिमालय क्षेत्र में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, लेकिन यह भारत के समस्त क्षेत्रों में भी कहीं कहीं देखा जाता है। पुष्प भेद से सरपुंखा के दो प्रजातियां होती हैं, एक रक्त पुष्पी दूसरा श्वेत पुष्पी। औषधियों के लिए सरपुंखा का इस्तेमाल लाल फूल वाले सरपुंखा का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तियों को तोड़ने पर यह बाण के समान टूटते हैं, इसलिए इसे सरपुंखा कहते हैं। यह बहुवर्षायी पौधा होता है। इसका नाम अनेक भाषाओं में अनेक नाम से जानते हैं। अगर आप कुछ और नाम से जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसे संस्कृत में सरपुंखा पलिहा शत्रु कहते हैं, वहीं इसका हिंदी नाम सरपुंखा सरपोंका, गुजराती में इसे सर पंखो, मराठी में उन हाली कहते हैं, उड़िया में कोलो थिया पोखा, तो कन्नड़ में फंकी, तमिल में कोलिंगी पाउगी, तेलुगु में मलु बेम्पली, बंगाली में बन नील गाछ, नेपाली में कांडे सा किनु, अंग्रेजी में बोगेल टे फोर्सिया। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेफोसिया पर पूरिया कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इसके अनेक भाषाओं में इसे अनेक नामों से जाने पहचानते हैं। तो शायद आप इसे पहचान चुके होंगे, नहीं पहचानते हों तो पहचान लीजिए। तो ये दोस्तों सरपुंखा और किन किन बीमारियों में फायदेमंद करती है, चलिए हम इसके कुछ और फायदे के बारे में जानते हैं और इसके आयुर्वेदिक औषधीय गुण जानते हैं। सरपुंखा कफ शामक तथा पलिहा विकारों को नाश करती है। सरपुंखा शोधहर कुष्ठधन विषधन जंतुधन बण रोपक रक्त शोधक और दंतीय है। सरपुंखा दीपक अनुलोमक पित्त सारक क्रिमधन पलिहाधन रक्त शोधक कफ निसारक मूत्रक गर्भाशय उत्तेजक कुष्ठधन ज्वरधन व विषधन होती है और रसायन है। चलिए हम जानते हैं सरपुंखा बवासीर रोगों को दूर करने के लिए सरपुंखा के पत्ते और भांग के पत्तों को दोनों को समान मात्रा में लेकर कूट पीस कर लुगदी बना ले और बवासीर के मस्से के गूदा पर बांध देने से खूनी बवासीर में बहुत लाभ होता है। सरपुंखा लीवर के लिए टॉनिक का काम करती है, पर यह रोगों को दूर करने के लिए साथ साथ लीवर को शक्ति भी देती है। सरपुंखा के पूरे पंचांग को छाया में सुखाकर कूट पीस कर बारीक चूर्ण बनाकर रख ले और 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से सभी प्रकार के लीवर रोग ठीक होते हैं। इसका एक प्रयोग आप और कर सकते हैं कि सरपुंखा के मूल का कलक लगभग 10 से 20 ग्राम और 2 ग्राम हरण का चूर्ण मिलाकर 1 गिलास मट्ठे के साथ रोज सुबह शाम सेवन करने से यकृत के सभी रोग तथा पीलिया विकारों में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। मूत्र विकार हो जाने पर सरपुंखा के पत्तों को पानी के साथ पीस करके 2 से 3 नग काली मिर्च डालकर 20 से 25 पत्ते पीने से मूत्र रोग की समस्या दूर हो जाती है। सरपुंखा एक बहुत अच्छा रक्त शोधक भी है तथा चर्म रोग को भी दूर करता है। इसकी फलियों का तेल निकाला जाता है। यदि तेल निकालना संभव न हो तो इसके बीजों को पीस कर दांत खाज खजली पर लेप कर दिया जाए तो चर्म रोग ठीक होने लगता है। यदि बीज सूख गए हैं तो आप उनके अंदर नारियल का तेल मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। सरपुंखा के पत्तों का रस लगभग 10 से 20 ml मात्रा में रोज सुबह शाम पीने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। घाव पर इसके पत्ते को पीस कर लगाना घावों को जल्दी भरता है। सरपुंखा की जड़ को पीस कर घाव पर लगाने से घाव बहुत जल्द भरने लग
होता है यदि चेहरे पर या शरीर के अन्य हिस्से भाग पर फोड़े, फुंसी, कील, मुहासे आदि हो तो रक्त शोधक के रूप में आप सरपुंखा का सेवन कर सकते हैं। इनके 10 से 20 ml क्वाथ में 2 चम्मच शहद मिला के सुबह शाम खाली पेट पीना चाहिए। बहुत ही अच्छा रक्त शोधक का काम करती है। यदि किसी धारदार लोहे की बस से शरीर पर कोई अंग कट गया है तो वहां पर आप इस सरपुंखा जड़ और पत्तों को पीस कर लेप कर दे और ऊपर से पट्टी बांध देने से पुराने फोड़े ठीक होने लगते हैं। सरपुंखा मूत्र मूल को चावल के धोवन के साथ पीस कर नियमित कल्क का नाश तथा लेप करने से दुष्टबण तथा अर्ची विष तथा अर्ची में लाभ होता है। कुष्ठ रोग दूर करने के लिए एक और प्रयोग है। सरपुंखा पत्ता का रस लगभग 5 से 10 ml की मात्रा में दिन में 2 या 3 बार पिलाने से कुष्ठ रोग ठीक होने लगते हैं। शरीर के अंदर होने वाली दाह और बुखार को दूर करने के लिए इसके बीजों का प्रयोग अति उत्तम है। लगभग 10 से 20 ग्राम इसके बीजों को पानी के साथ पिलाने से बुखार और शरीर के अंदर होने वाले दाह शांत हो जाती है। रक्त विकारों में सरपुंखा के पंचांग का चूर्ण 1 से 2 ग्राम मात्रा में लेकर शहद के साथ मिलाकर चाटने से सभी प्रकार के रक्त विकार ठीक होते हैं और ये रक्त को शुद्ध करता है। सरपुंखा के काफी और भी सारे औषधीय प्रयोग है। जितने सारे प्रयोग हमने आपको बताया है वह जानकारी के उद्देश्य से काफी है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।